सर अगले जी चंद्रशेखर आजाद ने आज सुबह 10 बजे तक आपको टाइम दिया था, क्या तुम सोचा स्पेशल दरवाजे बंद हो चुके हैं? मैं आपको भाई मानता हूँ, जो भी लोग हैं हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूँ, तो अब और क्या कहें हम। अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था, अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी, माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, बड़े संयंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। नहीं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहला शायद इंटरव्यू आपने किया था। हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए किया, तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकारों को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया, उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दो सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आज देखिए चुनाव की धज्जियां उड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में देखिए कोई नहीं आ सकता है। समाजवादी पार्टी के कहीं कार्यक्रम में जाएंगे आपको नोटिस मिलेगा, FIR दर्ज होगी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसमें शामिल है साजिश में। अब मुझे लगा, अभी तक तो मैं कांग्रेस मान रहा था, अब मुझे दिखाई देगा बीजेपी भी शामिल है।